Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 12 of tricks T20. इस क्लास में हम सीखेंगे 3 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करने की शॉर्ट ट्रिक. चलिए जान लेते हैं क्या है ये शॉर्ट ट्रिक. सपोज करिए आपको कोई भी 3 डिजिट का नंबर गिवन है. सपोज दैट आपको गिवन है 324. आपने इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आपने यहाँ पे 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं. देखिए फर्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है. यहाँ पे आप 3 डिजिट्स देख पा रहे हैं. ठीक है, जो लेफ्ट डिजिट है उसका आप पहले स्क्वायर लिख दीजिएगा कितना आएगा 9. ध्यान देना आपने तीनों का ही स्क्वायर लिखना है नीचे साइड बाई साइड. बट जो लेफ्ट डिजिट है इसका स्क्वायर जो आए एक डिजिट में आए या 2 डिजिट में आए वही लिखना है. लेकिन ये इसके आगे के जो डिजिट्स हैं उनका स्क्वायर आपने 2 डिजिट में लिखना है. इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखोगे. जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो उसको 04 लिखेंगे. 4 का स्क्वायर पहले से ही 2 डिजिट में आता है 16. ये हमने लिख दिया. फर्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, तीनों का स्क्वायर नीचे लिख देना है. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करना है आपने एक डिजिट छोड़ना है. ठीक है, और आपने देखो यहां से ये एक डिजिट लेनी है. वन डिजिट को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 4 2 8. बहुत सिंपल है, बस समझने की कोशिश करिएगा. 4 2 8 इसको आपने बचे नंबर से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना होता है. बहुत सिंपल है. 8 को इस 32 से मल्टीप्लाई कर लो, ऑरली कर सकते हैं. 8 2 16 का 6 कैरी 1. 8 3 24 एंड 1 25. स्टेप 2 कंप्लीट. स्टेप नंबर 3, अब आपने नीचे से 3 डिजिट छोड़ के लिखना है. ये 3 डिजिट छोड़ दो. अब इधर क्या लिखना है ये आप समझ लो. भाई यहाँ पे जो 2 डिजिट्स बचे थे इनको मल्टीप्लाई करो और डबल कर दो उनका. 3 2 6, 6 का डबल कितना होता है 12. तो ये आपने यहाँ लिख देना है, एड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. आप लिखोगे 6 7 9 4 10. ये आपका आंसर हो जाएगा. 3 स्टेप्स हैं. एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर से स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं. सपोज करिए आपने 723 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो फटाफट तीनों का स्क्वायर लिख दीजिए नीचे. 7 का 49, 2 का 4 होता है बट 2 डिजिट में लिखेंगे 04, 3 का 9 होता है इसको भी 2 डिजिट में लिखेंगे 09. इसके आगे एक डिजिट आपने छोड़ देना है और करना क्या है इन 2 को मल्टीप्लाई कर लो. 3 2 6, बाकी बचे नंबर से मल्टीप्लाई. 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 72 में. 6 2 12 का 2 कैरी 1. 6 7 42 एंड 1 43. ये कंप्लीट हो गया. अब नीचे से 3 डिजिट छोड़ने होते हैं और लिखना क्या होता है फर्स्ट 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन का डबल. 7 2 14 14 2 28. ये आपने लिख देना है और इसको कर देना है ऐड. तो ये आ जाएगा आपका 9 2 7 2 2 5. ये इसका स्क्वायर हो जाएगा. आई होप कि आपको ट्रिक अच्छे से समझ आ गई होगी. कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. अब सपोज करिए कुछ बड़ी डिजिट्स अगर हो तो जैसे 8 7 6, तो भी ट्रिक बहुत इजी रहेगी. देखिए आपने क्या करना है, 8 का होता है 64, 7 का होता है 49 एंड 6 का स्क्वायर होता है 36. सिंपली लिख देना है बहुत फ्लो में. ठीक है, इसके बाद में इन 2 को मल्टीप्लाई करोगे. यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आने वाला है आपको. इजीली 18 20 तक टेबल्स याद होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए 6 2 12 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक डिजिट छोड़ के लिखना है. तो 12 7 84 84 का आप क्या लिखोगे 4 कैरी 8. 12 8 96 96 एंड 8 is 104. ये आप लिख दोगे. फिर लास्ट स्टेप में 3 डिजिट छोड़ देंगे और करना क्या है इन 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना. 8 7 56, 56 का डबल होता है 112. तो आपने वो यहां लिख देना है, इसको एड ऑन कर देंगे या आपका आ जाएगा 6 7 3 7 6 एंड 7. ये इसका स्क्वायर हो जाएगा. एक एग्जांपल और लेते हैं. सपोज करिए क्वेश्चन आ जाता है 809 का स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो क्या करना है देखिए बिल्कुल सेम स्टेप्स है. 8 का होता है आपका 64, 0 का 00 लिखोगे 2 डिजिट पर लिखना होता है. 9 का 81 लिखोगे, सिंपल. इसके बाद में एक डिजिट छोड़ देना है और आपने 9 2 18 18 को इस 80 से मल्टीप्लाई करके लिखना है. तो 18 into 0 0 होता है और 18 into 8 आपका 144 होता है. ये आपने लिख दिया. लास्ट स्टेप में आप 3 डिजिट छोड़ते हो और आप यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हो. तो 8 into 0
और जीरो का डबल भी जीरो, तो यहाँ पे कुछ लिख रहे नहीं है जीरो, ये तो और भी सिंपल हो गया, सिर्फ इसी को ऐड कर देना है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1, 8, 4, 4, 5 एंड 6। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छे से समझ आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। आपको फाइंड आउट करना है 274 का स्क्वायर, 982 का स्क्वायर, 777। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।